हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सभी केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और सभी एक्स सर्विसमैन के लिए जो आज की पांच बड़े अपडेट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि अभी जो गवर्नमेंट ने इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए हैं और वो डिसीजन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इस टाइम पे जो है सबसे ज़्यादा जो है इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ पैक्ड है। तो इस टाइम पे जो भी ज़रूरी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी क्यों, सरकारी कर्मचारियों क्यों, पेंशनर्स क्यों, उन सब पे जो है डेली डेली आज की डेट में जो है जो सबसे मेन अपडेट यही रह गया है कि हर दिन जो है कोविड-19 से रिलेटेड, कोविड-19 से बचने से रिलेटेड जो भी अपडेट हैं, जो इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 25 से 35 लाख तक का जो है गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आया है कि उतने तक मिलेंगे, किन कर्मचारियों को मिलेंगे, क्या इसमें रिस्क फैक्टर है। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है उसमें जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए क्या क्या अपडेट है, पेंशनर्स के लिए अगर वो उनको ज़रूरत पड़ती है कि अभी बहुत ज़्यादा जो है कैश की ज़रूरत पड़ती है और अभी सिचुएशन ऐसी है कि पैसों की सबको ज़रूरत है, तो उनको जो है उनके अपने ही जो पैसे हैं उसमें से वो जो अभी नए नियम चेंज किए जा रहे हैं जिसमें वो जो पैसे के जो विड्रॉल हैं वो किस लेवल तक कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मतलब तमाम तरह की जो जो चीज़ें अभी इश्यूज़ आ रहे हैं उससे रिलेटेड गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि डेली डेली कोई ना कोई नया अपडेट भेजा जाए जिससे कि सबके इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जा सके। इसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू है, क्योंकि इस समय लॉकडाउन है, तो अगर किसी को हेल्थ से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं जिसके थ्रू अप्रोच कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो दोस्तों, डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे आज के जो पांच बड़े अपडेट्स हैं, जो कि सभी की सभी जो है बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, हम प्राइवेट एम्प्लॉयज़ की बात नहीं करते, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि जो ऑफिस ऑर्डर आया है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, पेंशनर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, इन सभी के लिए आया हुआ है। तो हम बात करेंगे एक एक करके क्या क्या ये इम्पोर्टेंट अपडेट है और किस किस तरीके से आपको जो है इस चीज़ का पालन करना है और इश्यूज़ में आपने कहाँ कांटेक्ट करना है, खासकर अगर पेंशनर्स अगर पैसे निकालते हैं तो किस तरीके से, किस लिमिट तक निकाल सकते हैं, कुछ इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करेंगे अभी आरबीआई ने जो लेटेस्ट अप्रूवल दिया है और उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के इस इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, बात करते हैं पहले अपडेट की। मैं आपको एक्चुअल जो उसमें पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं वो सारा का सारा आपके सामने पढ़ के ही बताऊंगा। पहली चीज़ क्या है कि जो एक्स ग्रेटिया है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, वो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। इन केस ऑफ किसी के इशू आ जाता है तो 1 लाख FCI एम्प्लॉयज़ के लिए उन्होंने कर दिया है। अंडर दिस प्रोविजन ड्यूरिंग 6 मंथ पीरियड, जो कि मार्च 24, 2020 और सितंबर तक, इफ़ एनी बडी डाइज ड्यू टू इन्फेक्शन सो दे विल बी गिवन लेबर रेगुलर FCI लेबर विल गेट एक्स ग्रेटियर 15 लाख, कॉन्ट्रेक्चुअल को मिलेगा 10 लाख, एक एक ऑफिसर्स कैटेगरी 1 ऑफिसर्स दे विल गेट 35 लाख, कैटेगरी 2 दे विल गेट 30 लाख, और 3 एंड 4 को मिलेगा 25 लाख रुपीज़। इसके अलावा दोस्तों, जो नेक्स्ट अगर हम अपडेट की बात करें तो वो पेंशनर से रिलेटेड है, जिसमें कि EPFO ने जो है अभी दे हैव रिजॉल्व 1.37 लाख EPF विड्रॉल क्लेम्स टू काउंटर कोविड-19। 10 दिन के अंदर अंदर कोविड-19 के केसेस को रिजॉल्व करने के लिए अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है तो 10 दिन के अंदर अंदर 1.37 लाख EPF विड्रॉल जो है अप्रूव हो गए हैं, और हर दिन जो है अप्रूवल हो रहा है, हर दिन प्रोसेसिंग चल रही है, और सारे एप्लीकेशन जिनका कि KYC प्रॉपरली है उनको जो है less than 72 आवर्स में हो जा रहा है। मेंबर्स हु हैव अप्लाइड फॉर क्लेम्स इन सम अदर कैटेगरी कैन ऑल्सो फाइल क्लेम टू फाइट पेंडेमिक। अल्टीमेटली आप देख सकते हैं कि EPFO ने जो है अपना प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट कर दिया। अगर किसी को पैसे की विड्रॉल करना है तो विद इन 72 आवर्स, जिनका KYC सब कुछ सेट है उनको विद इन 72 आवर्स जो है मिल जा रहा है।
इसके अलावा दोस्तों हमने बात की थी ECHS के जो यूज़र्स हैं उनके लिए भी, कि उनके लिए तमाम तरह के जो है हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, मेडिसिन की व्यवस्था की गई कि वो मेडिसिन खुद अभी ख़रीद सकते हैं और उसके बाद से जो है उसकी पेमेंट, उसका क्लेम बाद में कर सकते हैं। अभी ये बात की जा रही है कि वो डायरेक्टली जो है अपने पॉली क्लिनिक के कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं, उनसे मेडिसिन की रिकमेंडेशन ले सकते हैं। और पॉली क्लिनिक में भी कहा गया है कि जब तक ज़रूरी ना हो तब तक जो है प्रोसीज़र के लिए ना फॉरवर्ड किया जाए, जिससे कि जो है जो ये सोशल डिस्टेंसिंग है वो इजीली चल सके। मेडिसिन से जितना टाइम तक डिले किया जा सकता है वो किया इस टाइम के अकॉर्डिंग। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट ने अभी PPF और GPF के इंटरेस्ट रेट में भारी गिरावट की है और अभी जो है जो अगले 3 महीने का जो इंटरेस्ट रेट है EPF और PPF के लिए और GPF के लिए, वो अब सीधे सीधे जो है PPF और GPF के लिए वो 7.1% हो गया है। तो दोस्तों एक देख सकते हैं आपकी इंश्योरेंस कवरेज भी आ गई है इस टाइम पे, जिसमें कि अलग अलग कैटेगरी में जो है 25 से 35 लाख तक का जो इंश्योरेंस कवरेज भी मिल रहा है, और वो भी COVID-19 की वजह से। EPFO ने जो है मनी विड्रॉल की प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट कर दी है, जिससे कि अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है तो उनका जल्दी से जल्दी उनको वो पैसे मिल सकें। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट अपडेट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।